आज हम DLL यानी कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी का प्रोग्राम बनाएंगे। बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, आप स्टेप समझिएगा कि किस तरीके से हम VC++ में या C++ में, विजुअल C++ में, विजुअल स्टूडियो में हम एक DLL बना सकते हैं और कैसे उसे हम अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। तो तरीका देखिएगा, सबसे पहले आपको फाइल, दो एक्चुअली प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, एक में DLL बनाएंगे, दूसरे में हम कॉल करेंगे उसे। न्यू प्रोजेक्ट करिए और न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपको यहां पर देखना है VC++ में आपको विंडोज 32 कंसोल एप्लीकेशन बनाना है, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिबल्स बनते हैं वो हमको विंडोज 32 कंसोल एप्लीकेशन में ही बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं इसका नाम दूंगा मेक DLL, यहां पर मेक DLL बनाऊंगा मैं, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको DLL पे इस रेडियो बटन पे चेक करना है या फिर सिलेक्ट करना है इसे, उसके बाद आप फिनिश कर दीजिए इसे। आपके पास कुछ फाइलें आएंगी, ये जो फाइलें हैं इन फाइलों में आपको सबसे पहले जो आपको CPP बनानी है और .h बनानी है वो आपको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक .cpp और एक .h इसमें आप कॉल करेंगे या फिर इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए आप यहां पर, मैं अपने आप करता हूं ऐड न्यू आइटम, एक cpp डालेंगे, एक .h डालेंगे, और यहां पर आप ढूंढिए कि .h आपको कहां मिलेगा। जहां भी आपको .h फाइल दिख रही हो इसमें, वो आप सिलेक्ट करेंगे ये हेडर फाइल। इसका नाम लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐड का एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे, तो ऐड .h कर सकते हैं आप और ओके कर ले। यहां पर ऐड .h आ गया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं एक CPP फाइल भी डाल देता हूं उसमें, ऐड न्यू आइटम, यहां पर CPP फाइल डालेंगे, इसका नाम भी वही रखेंगे ऐड .cpp, ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड .cpp आ गया और ऐड .h आ गया। एक्चुअल में क्या था कि हमको एक ऐड का प्रोग्राम हम बनाना है हमें, और ऐड CPP में पहले हम जाके अपना फंक्शन लिखेंगे जो फंक्शन हमें यूज करना है। तो आपको फंक्शन क्या करना है, पहले ये बना दूं आपको, इंट ऐड, और सिंपल सा एक दो वैल्यूज पास कर देंगे, इंट ए कर देंगे, इंट बी कर देंगे, और फिर यहां पर इनका एडिशन रिटर्न कर देंगे, बस रिटर्न ए प्लस बी, बस ये काम करना है हमें। अब दो चीजें हमें इंक्लूड करने पड़ेगी, एक तो stdfx.h क्योंकि हम VC++ का बना रहे हैं प्रोजेक्ट, और add.h क्योंकि यही इसका हमने add.h एज ए हेडर फाइल इसको यूज किया है। अब add.h में आएंगे, ये भी हमने खाली रखी हुई है। अभी इस .h पे क्या लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा, अगर इफ नॉट डिफाइन एड _h, अगर ये नॉट डिफाइंड है तो आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप ये डिफाइन कर देंगे, और फिर आप लिखेंगे जो रिटर्न टाइप देखा था अभी आपने फंक्शन का, वो इंट था int, फिर यहां लिखेंगे _decl, ठीक है, _decl spec, और ब्रैकेट में लिखेंगे dll export। अब यहां पर इसके आगे आपको क्या करना है, सिंपल आप ऐड CPP में जाइए, इसको उठाइए, क्योंकि रिटर्न टाइप तो आपने दे दिया, देखिए आप रिटर्न टाइप आपने दे दिया यहां पे, अब बस इसको यहां पर करके सेमीकॉल लगा दीजिए। यहां पर आप तय कर रहे हैं कि इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, और क्योंकि एफ आपने यूज किया है तो आपको एनडीएफ भी करना पड़ेगा, एक एनडीएफ भी कर दीजिए। ये हो गया हमारा जो .h और .cpp है, ये दोनों बन गए, देखिएगा आप, ओके। अब हम सेव ऑल कर लेंगे और अब बिल्ड करेंगे इसको, बिल्ड सॉल्यूशन, ये हमने बिल्ड कर लिया, देखिए कोई एरर तो नहीं है।
ये बिल्ड करने के बाद, जैसे आप बिल्ड करिए या क्लीन रिबिल्ड करिए या बिल्ड मेक डीएलएल करिए, जैसे भी आप करना चाहें आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर जाना है और ओपन फोल्डर इन न्यू एक्सप्लोरर करना। ध्यान दीजिएगा, ओपन फोल्डर इन एक्सप्लोरर। इसके अंदर डिबग में जाएंगे तो आप देखिएगा कि आपके पास जो ये आपने प्रोजेक्ट बनाया है वहां पर आप कुछ, आपको कुछ फाइलें बन के आएंगी। ये देखिए मेक डीएलएल और यहां पर डिबग, तो आपके पास एक डीएलएल बन गई है, आपके पास एक लिब बन गई है। ये जो है इनका उपयोग होगा, अभी इनका उपयोग होगा जब हम इसे कॉल करेंगे। तो इनको अभी रहने देते हैं, फाइल इसको क्लोज कर लेते हैं, सेव ऑल करके क्लोज कर लेते हैं, क्लोज सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब हम जाते हैं अपने ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि नॉर्मल हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें इस डीएलएल को कॉल करेंगे, उसमें इस डीएलएल को कॉल करेंगे। तो फाइल न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करने के बाद विंडोज 32 एप्लीकेशन लेंगे और यहां पर टेस्ट डीएलएल कर लेंगे इसका, जैसे मेक डीएलएल किया था टेस्ट डीएलएल, और फिर ओके कर लीजिए। टेस्ट डीएलएल ऑलरेडी बना हुआ है तो एक और एल लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे हम और यहां पर सिंपल कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे और फिनिश कर देंगे। अब जो है हमारे पास एक टेस्ट, ये मतलब मेन वाला ये आ गया और यहां पर stdafx.h आ गई। इनसे हमें अभी कोई वास्ता नहीं है, क्यों? क्योंकि हम .h और .dll यूज करेंगे यहां पर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिएगा आप सबसे पहले यहां पर जाएंगे और फिर से यहां पर एक add.h लाएंगे, add.h, क्योंकि हेडर फाइल जो है वो आपको वहां से लानी है जहां से आपने ली है। तो आप एक नया डॉट वहां से ले सकते हैं या न्यू आइटम बना देता हूं मैं, एड यहां पर .h ऐड कर लीजिए इसे। और इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे आपने जब वहां पर एक्सपोर्ट लिखा था सेम चीज देखिएगा आप, वहां आपने एक्सपोर्ट लिखा था, यहां पर आपने इंपोर्ट कर लिया। बस यही डिफरेंस है उन दोनों फाइलों में, दोनों .h में यही ये डिफरेंस है, वहां पर एक्सपोर्ट लिखा था, यहां इंपोर्ट लिखा है। ये जब हो जाएगा आपके पास add.h आपके पास हो जाएगा, फिर आपको यहां पर एक सीपीपी फाइल बनानी है। बेसिकली सीपीपी फाइल क्या है, जो मेन फाइल है वही है। तो मेन का नाम आप पहले, सबसे पहले इन सबको stdfx.h ले लीजिए, फिर क्योंकि आपको ये इंक्लूड करना है add.h जो आपने ये बनाई है, add.h कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ हम फंक्शंस भी यूज कर रहे हैं इसलिए stdio.h कर लेंगे। यहां पर आपको एक लाइन जोड़नी है, देखिएगा क्या है, यह है आपकी एक्सटर्न आईएनटी डीएसएल स्पेक डीएल इंपोर्ट और एड ए इंटरव्यू, ये आप जोड़ देंगे यहां पर। और फिर मेन में जाएंगे, एक मेन डिफाइन करेंगे आप, इन सबको हटा देते हैं, वैसे इसके अंदर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मेन के अंदर जाएंगे और अब हम एक इंटीजर वैल्यू एक्स पास कर देते हैं, इंटीजर वैल्यू कोई वाई पास कर देते हैं, फिर प्रिंट करा देते हैं पहले एक्स वाई को और फिर दोनों का एड फंक्शन कॉल करा लेते हैं। ये एड फंक्शन कॉल करा लेते हैं, फिर क्योंकि हम इसको कंसोल पे दिखाएंगे तो यहां पर एक गेट कैर कर लेते हैं और रिटर्न जीरो तो रहता ही है और बंद कर देते हैं इसे। ये हो गया साहब, तो आप ये समझ गए होंगे हमने डॉट एच बनाई, डॉट सीपी बनाई। अब लेकिन ये तैयार नहीं है अभी प्रोग्राम, अभी हमने डीएलएल इंक्लूड ही नहीं किए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले तो इसको मैं सेव ऑल कर लेता हूं। अब हम वहां जाएंगे जहां पर हमारी डीएलएल बनी थी पिछली वाली, तो मैं ढूंढता हूं इसे। उसके लिए क्या करेंगे कि फाइल रिसेंट प्रोजेक्ट में हमने मेक डीएलएल बनाया था, यहां पर जाएंगे और ओपन फोल्डर, आपने देखा था इस डिबग के अंदर हमने डीएलएल बनाई थी, ये डीएलएल और ये लिब ले लेंगे
इसको कॉपी कर लेंगे। अब हमारे रिसेंट में जाएंगे, इस टेस्ट डीएलएल में इसको भी ओपन करेंगे। ओपन यहां पर जाके इसको ये दोनों को डाल देंगे। और उसके बाद जब ये डल गया, फिर हम जाएंगे यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज में। आपके पास लिंकर में इनपुट है, यहां एडिशनल डिपेंडेंसीज में आप जाएंगे और यहां पर क्या देंगे, लिब, यानी कि आपने जो ये बनाया है मेक डीएल डॉट लिब, इसको यहां पर इंक्लूड कर देंगे। ये हो गया साहब, ओके कर लीजिए, अप्लाई, ओके। अब एक छोटा सा चेंज बाकी है, हम इसको ओपन फोल्ड पर करेंगे। आपने देखा था कि मैंने जो ये फाइलें हैं ये दोनों, ये यहां पर डाली थी, लेकिन ये फाइलें मैंने अब उठा के यहां कर दी है। आपको इस डीबग के साथ रखना, मतलब जहां पर फाइलें नॉर्मल फाइलें हैं, डॉट एच है, डॉट सीपीपी है, या जो भी फाइलें हैं, वहां पर आपको ये डीएलएल और लिब डाल देनी है। अब इसको रन कराते हैं और आप देखिए आपका रिजल्ट एक्स 100 वाई 1200 और एड 1300। तो ये प्रोजेक्ट जो है एक्चुअल में ये डीएलएल यूज कर रहा है और उस डीएलएल का फंक्शन यहां पर उपयोग हो रहा है और हमने फाइनली उसे अचीव किया, डीएलएल को लिंक किया अपने C++ प्रोग्राम में।